हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या है? एनी इक्वेशन विच हैज हाईएस्ट डिग्री वन, जैसे 2x + 5, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की क्या है? वन, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स हैं। यहां पे तो हमारे पास एक वेरिएबल है x, जैसे 2x + 4y = 5 या 2x + 4y = 10। तो यहां पे हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, एक तो x और एक आ गया y। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? सॉल्यूशन क्या होगा? x और y की जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो values of x and y which satisfies given equation is called solution of linear equation. अब जो linear equation है उसके जो solution है consistent system भी हो सकता है और inconsistent। नाउ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? अगर हमारे पास जनरल इक्वेशंस है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, जब भी लीनियर इक्वेशंस होंगी तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी आ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसी भी तरह हो सकती है, जो भी लीनियर इक्वेशन होगी उसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। अगर अब हमारे पास जनरल इक्वेशंस ये हैं a1x + b1y + c1 = 0, अगर हम कहें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसकी जनरल इक्वेशन कैसी होगी? ax + by + c = 0। x और y दो वेरिएबल है, a इज कॉफिशियंट ऑफ x, b कॉफिशियंट ऑफ y एंड c इज द कॉन्स्टेंट टर्म। अगर हमारे पास कंडीशन आती है a1/a2 ≠ b1/b2, तो हमारे पास लाइंस कैसी होंगी? सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट होंगी या नहीं होंगी? अगर दोनों इक्वल नहीं है तो लाइंस होंगी, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी सॉल्यूशन होगा यूनिक, और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी कंसिस्टेंट। और अगर a1/a2 = b1/b2 but not = c1/c2, तो लाइंस होंगी पैरेलल लाइंस, no solution and system of equation will be inconsistent। ये होगा। और अगर तीनों equal होते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, lines होंगी coincident lines, infinitely many solutions होंगे, infinitely many solution, और system of equation होंगी consistent। So system of equations consistent कब होंगे? When they have at least one solution। कम से कम equations का एक solution होगा, तो जो हमें equations given होंगी वो consistent system होगा, otherwise inconsistent होगा। जैसे पहले में कहा है कि intersecting lines है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन अगर हम ग्राफ पे शो करें ये दो लाइंस हैं, यहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो सॉल्यूशन होगा यूनिक।
तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और इधर से y की वैल्यू मिल जाएगी, एक ही वैल्यू मिलेगी x और y की। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं तो x और y की एक यूनिक वैल्यू होगी। जब दो लाइंस पैरेलल है इट मींस वो कहीं भी टच नहीं कर रही हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पे ये कट करें, तो इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। कोइंसिडेंट लाइन है इट मींस अगर फर्स्ट लाइन हमारी ये है, सेकेंड लाइन का सॉल्यूशन भी इसी के ऊपर है, मींस सेम लाइन है दोनों इक्वेशंस के लिए, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। आप एक्स वाई की यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी, कहीं भी, मतलब जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यूज पुट करते जाओगे कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वाई की वैल्यूज मिलती जाएंगी। सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइंस के लिए नो सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट लाइन के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट तब होंगी जब उनका कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी भी हो सकते हैं, लेकिन जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगी। अब अगर हमें वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स और वाई की, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सारे मेथड्स करें, हम एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। सबसे पहले अगर मुझे कोई भी दो इक्वेशंस दी है और कहा है कि ग्राफ से इसकी वैल्यू फाइंड करो, सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय ग्राफ, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से जो भी हमें इक्वेशंस गिवन होंगी ग्राफ से सॉल्यूशन फाइंड करना है। एक्स माइनस वाई माइनस वन, थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 12। जब भी हमें दो इक्वेशंस गिवन है, मान लो हमने फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू क्या आई वाई माइनस वन, सेकेंड इक्वेशन से थ्री एक्स आया 12 माइनस टू वाई, और एक्स इज 12 माइनस टू वाई अपॉन 3। हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमें दो वैल्यूज चाहिए, एरर को अवॉइड करने के लिए आप 3 पॉइंट्स फाइंड कर सकते हो और मैक्सिमम जितने चाहो उतने फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू मैंने 2 पुट करी 2 माइनस वन, y की 3 पुट करी 3 माइनस वन, 4 पुट की 4 माइनस वन इज 3। अब इस इक्वेशन के लिए वैल्यूज फाइंड करेंगे x एंड y, एक्स वाई की हमने पुट की 2, 2 इंटू 2 इज 4, बट 12 माइनस 4 8, तो हम कोई ऐसी वैल्यूज पुट करते हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। y को हमने पुट किया 6, 6 इंटू 2 12 माइनस 12 0 अपॉन 3 इज 0, y को पुट किया हमने 3, 3 टू जा 6, 12 माइनस 6 सिक्स बाय थ्री 2, वाई को पुट करेंगे अगर 4 8 4 बाय थ्री, वाई को पुट किया 6 हमने कर लिया, 3 भी पुट कर लिया, 9 पुट किया अगर हमने वाई को, 9 टू आर 18, 18 माइनस के और प्लस के 12, माइनस 6 बाय थ्री माइनस 2। अगर हमने जो पॉइंट्स फाइंड किए हैं उसमें देखें क्या हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है, 2-3 पॉइंट जो है वो कॉमन आ रहा है, इट मींस ग्राफ को जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। बट क्योंकि हमें ग्राफ से वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ, यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0। अब x एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहला पॉइंट ड्रॉ करेंगे, x इज 1 y इज 2, x इज 2 y इज 3, x इज 3 y इज 4, तो ये हमारे पास इक्वेशन x इज इक्वल टू y माइनस 1 का ग्राफ आ गया। नेक्स्ट है x इज 0 y इज 6, दिस इज द पॉइंट, x इज 2
y is 3. This is the common point, 2, 3. This is 1, 2, 3, 4. This point is x0, y6, x minus 2. Minus 1, minus 2. X minus 2, y is 9. X minus 2, y is 9. This is the point, minus 2 and 9. तो ये हमारे पास ग्राफ आया। अब हमने देखना है कि हमारे पास ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं और लाइंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? दिस पॉइंट पे x2 एंड y3। तो ग्राफ से हमारे पास जो सॉल्यूशन आया x की वैल्यू इज 2 एंड y इज 3। सो अगर हमें कोई भी दो इक्वेशंस गिवन है, हमें ग्राफ से उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, सबसे पहले आप पॉइंट्स फाइंड कीजिए, कम से कम दो पॉइंट्स, मैक्सिमम आप जितने भी चाहो फाइंड कर सकते हो, उन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आई, तो जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन से हमें x की वैल्यू मिली, हॉरिजॉन्टल लाइन से y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिली, सो x इज 2 एंड y इज 3। नाउ नेक्स्ट हम एक इक्वेशन लेते हैं टू सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि नाम से भी क्लियर है, सब्स्टिट्यूट मींस पुट करनी है, हमें एक इक्वेशन में से एक्स या वाई किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। जैसे हमने एग्जांपल ली, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4। कोई भी हमने इक्वेशन ली, लेट दिस इक्वेशन एज 1 एंड दिस एज 2। फर्स्ट इक्वेशन से सपोज हमने y की वैल्यू फाइंड की, फर्स्ट इक्वेशन से y क्या आया, 10 माइनस x। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, x माइनस y इज 10 माइनस x इक्वल्स टू माइनस 4, ओपन द ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस x, इसके आगे कॉफिशियंट x का क्या है, 1 एंड 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2x माइनस 4 प्लस 10, 6, सो x आ गया 6 बाय 2, 3। x की वैल्यू जो हमें 3 मिली है वो हम अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये इक्वेशन हमारे पास थी y 10 माइनस x 3 7, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 3 और y आया 7 बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन का मींस है कि एक इक्वेशन में से x या y किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। नेक्स्ट मेथड हम कर रहे हैं इलिमिनेशन मेथड। क्लियर है सब्स्टिट्यूशन मेथड? नाउ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बाय इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड क्या है? जैसे कि नाम से क्लियर है, इलिमिनेट कि किसी एक टर्म को, चाहे वो एक्स की हो या y की हो, उसे इलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 3x plus 4y is equals to 10, 2x minus 2y is equals to 2, 2x minus 2y is equals to 2। एलिमिनेशन मेथड में हमें x या y किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना होगा ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। अगर हम x का देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो x की जो कॉफिशियंट्स हैं सेम हो जाएंगे। यहाँ पे y का कॉफिशियंट है 4 और यहाँ पे है माइनस 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 आ जाएगा, तो हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास क्या इक्वेशन आई, फर्स्ट एज इट इज 3x plus 4y is equals to 10, 2 into 2 minus 2 into 2, 2 into 2। इलिमिनेशन करना है तो दोनों जिसके कॉफिशियंट सेम है टर्म के साइन ओपोजिट होने चाहिए। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 4 प्लस 3 7x, 10 प्लस 4 इज 14,
यहां से हमारे पास x आया 2. अब x 2 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की plus 4y is equals to 10, 4y, 3 2s are 6, 10 minus 6, 4, तो y आ गया हमारे पास 4 by 4, that is 1. So, x is 2 and y is 1 by using elimination method. Substitution में हमने क्या किया था, कि एक equation में से x या y की value find की और दूसरी में put की. एलिमिनेशन में क्या करना है, हमें x या y दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, और वो एलिमिनेट कब होंगे, जब उनके कोफिशिएंट सेम होंगे बट विद ऑपोजिट साइन. अगर यहां भी प्लस का साइन होता तो मैं इन इक्वेशंस को माइनस कर देते, अगर ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है तो हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे. नोट इट डाउन. एलिमिनेशन के बाद जो नेक्स्ट मेथड करना है हमें, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की एक एग्जांपल लेते हैं. x minus 3y minus 7 is equals to 0. 3x minus 3y minus 15 is equals to 0. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमें जो एक चीज याद रखनी है, दैट इज 2 3 1 2. अब ये 2 3 1 2 क्या है डिस्कस करेंगे. x अपॉन y अपॉन जो भी दो वेरिएबल्स होंगे कांस्टेंट टर्म के लिए 1. 2, 3 means second term को third से, देखिए cross multiply ही होगा ये, minus third को second से. First वाली, ऊपर वाली term में से हमने first, second and third. So, minus 3 multiply minus 15, 15 threes are 45, middle में negative sign होगा, minus 7 minus 3, 21. Now, y upon 3, 1, third को first से, minus 21, negative in the middle, first को third से, 1 into minus 15, clear? Now, first को second से, first or second, 1 into minus 3, minus, minus 3 into 3, minus 9. तो हमने ये cross multiply ही किया, second, ये first, second, third, second को third से, minus third को second से, अगले में किया, थर्ड को फर्स्ट से माइनस फर्स्ट को थर्ड से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट को सेकंड से माइनस सेकंड को फर्स्ट से, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ही हो रहा है. नाउ 45 माइनस 21, 5 माइनस 1, 4 माइनस 2, माइनस 21 प्लस 15, माइनस 3 प्लस 9, क्या आया हमारे पास, x अपॉन 24, y अपॉन माइनस 6, 1 अपॉन 6. हमारे पास जब यहां तक इक्वेशंस आ गई, अब हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, मींस x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. x को कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखेंगे, सिमिलरली y को कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखेंगे. x आया हमारे पास 4, y upon minus 6 is equals to 1 by 6, y आया minus 1. So this is by using cross multiplication method. तो x is 4 and y is minus 1. तो जब भी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ये याद रखना है 2 3 1 2, सेकंड टर्म को थर्ड से, माइनस थर्ड को सेकंड से, थर्ड को फर्स्ट से, माइनस फर्स्ट को थर्ड से, फर्स्ट को सेकंड से, माइनस सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई. नोट इट डाउन. Now next, जो इस चैप्टर में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, एप्लीकेशन टू वर्ड प्रॉब्लम्स, कि उसमें हम क्या, उसका कोई पर्टिकुलर मेथड तो नहीं है, फिर भी हम कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. एप्लीकेशंस टू वर्ड प्रॉब्लम्स. फर्स्ट, अगर हमें टू आर्टिकल्स की कॉस्ट के बारे में प्रॉब्लम गिवन है, टू आर्टिकल्स के बारे में,
चाहे वो पेन या पेंसिल, कॉपी, इरेजर, नोटबुक, इरेजर कुछ भी हो, तो हम उस केस में मानेंगे कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल जो भी होगा रुपीज एक्स, कॉस्ट ऑफ अदर आर्टिकल एज रुपीज वाई। तो इस तरह से हम उनकी कॉस्ट मान सकते हैं। अगर हमारे पास है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स, नंबर्स से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आती है। जैसे अगर हमें कहा है कि दो एक नंबर है टू डिजिट का, उसके डिजिट्स का सम इतना है, रिवर्स करें ऑर्डर ऑफ डिजिट तो सम इतना है, इस तरह का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो उस केस में आप क्या करेंगे, लेट नंबर एट यूनिट्स प्लेस, अगर टेन डिजिट दो डिजिट्स का नंबर है तो एक यूनिट प्लेस होगा एक टेंस प्लेस होगा, यही होगा। तो हमने मान लिया जैसे 12 नंबर है, तो ये है यूनिट प्लेस, ये है टेंस प्लेस। जो टेंस प्लेस पे होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो यूनिट प्लेस पे होगा उसको 1 से, तभी तो ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। तो नंबर है टेंस प्लेस y, तो ओरिजिनल नंबर इस केस में क्या होगा, क्या होगा जो यूनिट प्लेस पे उसको तो 1 से ही मल्टीप्लाई किया, जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से किया, तभी तो ओरिजिनल नंबर मिला हमें 12। सो टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस वाले डिजिट को 1 से उसे ऐड करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आएगा। अब अगर हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इस केस में हमें क्या मानना होगा, लेट न्यूमिरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई,